हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल मुस्तफ़ा। आज हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार साहब की। अपने दौर के एक बेहतरीन अभिनेता, काफ़ी प्रसिद्ध और लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रियता इन्होंने प्राप्त की थी। फिल्मी इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है और इनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 8 बार जो है फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले ये भारत के एकमात्र जो है अभिनेता हैं। अभी तक 3 से ज़्यादा बार किसी को ये अवार्ड प्राप्त नहीं है जो दिलीप कुमार जी को प्राप्त है। तो दिलीप कुमार का अभी हाल ही में 7 जुलाई 2021 को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया 98 साल की उम्र में। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो दिलीप कुमार जी का असली नाम जो था वो मोहम्मद यूसुफ खान था और ये इतने फेमस हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए कि ये जो है ट्रेजेडी किंग के नाम से फेमस हो गए। इनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। बाद में जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को, तो ये जो है मुंबई चले आए और उस समय मुंबई की मालकिन, मुंबई टॉकीज की जो मालकिन थी वे देविका रानी थी। देविका रानी, इनकी जो है रुचि जो है फिल्मों की तरफ हुई। देविका रानी से इनकी मुलाकात हुई। देविका रानी ने इनका नाम जो है बदलने को कहा कि आप अपना नाम यूसुफ खान रख लीजिए, और देविका रानी के कहने पर दिलीप कुमार साहब ने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख लिया। जो है दिलीप कुमार की जो है इनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर, जो कि एक फल विक्रेता थे। इनकी माता का नाम आयशा बेगम, और दिलीप कुमार की जो बायोग्राफी है वो द सब्सटेंस एंड द शेडो है। और इनकी 2 पत्नियां थीं, एक सायरा बानो और आसमा रहमान। इनमें सायरा बानो जो है दिलीप कुमार से 22 साल की छोटी हैं। इनकी जो पहली फिल्म आई थी वो 1944 में बनी थी। पहली फिल्म का नाम था ज्वार भाटा और इनकी अंतिम फिल्म जो थी वो 1998 में आई थी किला। जो है दिलीप कुमार साहब की कुछ उपलब्धियां हैं। सन 1991 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें फिल्मी इंडस्ट्री में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2015 में इन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उस समय ये जो है बीमार चल रहे थे, तो हमारे देश के गृह मंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह, इन्होंने खुद घर पर ले जाकर दिलीप कुमार साहब को जो है पद्म विभूषण दिया था जो है। और एक और अवार्ड जो है 1998 ईस्वी में दिलीप कुमार साहब को मिला जो है निशाने इम्तियाज, जो पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया जाने वाला पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशाने इम्तियाज। इम्तियाज का मतलब होता है सर्वोच्च या शिखर, निशान का मतलब होता है चिन्ह, सर्वोच्च चिन्ह, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और एक और उपलब्धि, 2000 से लेकर 2006 तक ये भारतीय संसद के उच्च सदन के राज्यसभा, मतलब भारतीय संसद के उच्च सदन में थे, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं 2000 से 2006 तक। जैसे राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो 12 सदस्यों को राज्यसभा सदस्य मनोनीत कर सकता है। उसी और उन्हीं मतलब जो है दिलीप कुमार साहब जो है राज्यसभा सांसद मनोनीत थे जो है। तो ये थी दिलीप कुमार साहब की उपलब्धियाँ। दिलीप कुमार साहब ने फिल्मी इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम बहुत बड़ा नाम कमाया था। इनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये थे दिलीप कुमार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तत्व। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ।